स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा में 158 फीट ऊंचा झंडा फहराया। इस दौरान उनके साथ कई सपा के नेता भी। मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ उन तमाम महापुरुषों को, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने लगातार उनका साथ देने के लिए तमाम भारत के हर कोने से लोगों ने साथ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान और लगातार क्रांतिकारियों के संघर्ष और अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद हमें भारत देश आज़ादी और भारत देश को आज़ादी दिलाने में हम सब उन लोगों को याद भी करते हैं और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। इस दौरान उनके आसपास इकट्ठे हुए लोगों ने वंदे मातरम और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। अखिलेश यादव ने यहाँ मणिपुर पर भी बात की। जहाँ एक तरफ मणिपुर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा, वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल करके रह रहे थे वैसे ही रहें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो जहां हमारी बेटियां हमारी बहनों के साथ ऐसी घटना घटी हो। न केवल मणिपुर बल्कि देश के किसी कोने में इस तरह का व्यवहार किसी महिला या बेटी के साथ ना हो। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। जिस रूप में हमारा देश आजाद हुआ था, जो हमारी सीमाएं थी जब आजादी हमें मिली थी, वो हमारी सीमाएं सुकड़ी हैं। सरकारें जो भी रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत जो आजाद हुआ था उस समय जो हमारी सीमाएं थी उन सीमाओं को सिकुड़ने का काम पड़ोसी देशों ने किया है। आज के दिन 15 अगस्त जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस कुर्बानी और जिस संघर्ष के बाद आज़ादी मिली हमारे देश को, हमारा देश जहां मजबूत हो वहीं सीमाएं भी हमारी बहुत सुरक्षित रहें। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही पीएम मोदी पर भी अखिलेश यादव ने यहां निशाना साधा। जो हमारी समस्या है उनका हम आकलन करें अगर तो लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता होती है उसमें हम कहां खड़े हैं, हम प्रेस की आजादी में कहां खड़े हैं, हम करप्शन में कहां खड़े हैं। ये कहने को तो ठीक है हमारा डेमोग्राफिक जो पैटर्न है कम उम्र के लोग ज्यादा हैं, जो भारत की आबादी में 40 साल से नीचे वालों की संख्या बहुत है। अगर हमारी संख्या 40 साल से ज्यादा लोगों की है तो वहीं हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है कि इन नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे इनके सपने पूरे हो सकें। और लाल किले पे खड़े होकर के अगर किसी सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तो कम से कम उन सरकारों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आज हम दोबारा वहीं 15 अगस्त पे खड़े हैं। क्या हमारे देश के गरीबों की किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिल गई? और जो संतुलन बनाना चाहिए सरकार को, आज जिस तरीके से महंगाई है खाने पीने की चीजों से लेकर के डीजल पेट्रोल की, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और लोगों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं हुए तो हमारा देश कहां जा रहा है इस पर सोचना होगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।